अच्छा, आज जो है टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, पॉइंट टू, टॉपिक 1.2। और आज रिप्रोडक्शन हो चुका था, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ओके, तो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स को जैसे हम लोग ये करेंगे, उसके स्टेप्स को डिवाइड करेंगे, तो फेजेस इन लाइफ स्पैन, पहले होता है एक जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। ओके, रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद एकदम लास्ट फेज जो है सीनेसेंट फेज। ठीक है, मिल गया बेटा, तीनों वर्ड मिल गया, जुवेनाइल मिल गया बेटा। जुवेनाइल पेज नंबर बताओ, कौन सा पेज मिला? पेज नंबर 9 में टॉप में लिखा है, दैट इज जुवेनाइल फेज। ओके, पीरियड ऑफ ग्रोथ, ओके, दैट इज द मैच्योरिटी। और इट इज ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज, इम्प्लांट। ओके, अच्छा, उसके बाद आता है कि रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वर्ड मिला तुम्हें? रिप्रोडक्टिव फेज, यस सर। वो कहाँ पे मिला सर? उस वर्ड कहाँ पे मिला रिप्रोडक्टिव फेज का? तो सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। हाँ बेटा, जो जुवेनाइल फेज तो पेज नंबर 8 में, 9 में था, तो रिप्रोडक्टिव फेज कौन सा पेज में मिला? ये रिप्रोडक्टिव फेज। देखो वही पे, वही पे है, उसी पेज में। ओके गुड, और लास्ट वाले जो है रिप्रोडक्शन में तीन पार्ट है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो नंबर 1 में आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 में आएगा फर्टिलाइजेशन, नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट मीन फर्टिलाइजेशन के बाद, प्री फर्टिलाइजेशन से आगे, दैट इज प्रीवियस, और दैट इज अनदर इज फर्टिलाइजेशन इन बिटवीन जो है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट होता है, क्या क्या होता है बेटा? गैमेटोजेनेसिस और सर गैमेट ट्रांसफर। गुड, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में दो टाइप का फर्टिलाइजेशन की बात हम लोग करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिसे बॉनिफिस एम्फीबियंस होते हैं, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दैट इज जो फर्टिलाइजेशन जिसे मैमल से, रेप्टाइल से, बर्ड से, सब होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में दो पार्ट है, क्या क्या बेटा? एम्ब्रियोजेनेसिस और सर द जायगोट। हाँ, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो जायगोट से होते हैं। ओके, एक होता है मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल। जिसे हैप्लोइडिक लाइफ साइकिल है उसमें मियोसिस होगा एंड स्पोर फॉर्मेशन होगा। ओके, और दूसरा माइटोसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। ओके, माइटोसिस हो गया तो क्या होगा? एम्ब्रायो फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? तो यहाँ पे मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट हुआ, जो जुवेनाइल फेज और जो रिप्रोडक्टिव फेज, सीनेसन फेज, प्री फर्टिलाइजेशन के दो पार्ट, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। ओके, अंडरस्टूड? इसके बाद जो नेक्स्ट होता है कि ऑल द इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब गैमेट्स के फ्यूजन होने से पहले जो इवेंट्स हो रहा है, दीज आर ऑल नोन एज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, द गैमेट्स में भी दो टाइप का, दैट इज द होमो गैमेट्स और आइसोगैमेट्स, और दैट इज हेटरोगैमेट्स। होमो गैमेट्स और आइसोगैमेट्स दोनों तो सेम वर्ड है, और क्या होता है? हेटरोगैमेट्स। ओके, क्लियर? तो कैन यू गिव द एग्जाम्पल ऑफ आइसोगैमेट्स? आइसोगैमेट्स किसने बुक में दिया, देखो डायरेक्ट। आइसोगैमेट्स का एग्जाम्पल, आइसोगैमेट्स
यह देखो टाइप्स ऑफ गैमेट्स, आइसोगैमेट्स, क्लैडोफोरा, पेज नंबर 10 में दिया देखो। मिला बेटा? यस सर। तो डायग्राम भी दिया देखो। क्लैडोफोरा। आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोफोरा और हेटरोगैमेट्स जो बी वाला पार्ट जो है ऑफ्यूकल एंड सी में तो पता ही है ह्यूमन बीइंग के केस में। हाँ ह्यूमन बींग ओके ठीक है। नेक्स्ट पार्ट उसका डायग्राम भी साथ साथ करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कैन से एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में भी होमोथैलिक और मोनोसियस और हेट्रोथैलिक और डायसियस ओके। तो कुकुरबिट्स एंड कोकोनट आर मोनोसियस प्लांट्स और पपाया डेड पाम आर डायसियस प्लांट। कारा कारा जो है एक जो मतलब दैट इज उसके बारे में एग्जाम्पल मिल गया बेटा, मिल गया एग्जाम्पल बुक में कौन सा पेज में दिया बेटा? 11 11 पेज में दिया ना। यस सर। ओके उसको एक बार रीड करो क्या क्या लिखा है बताओ। फिर वो होमोथैलिक वाला मोनोसियस डायसियस लास्ट में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट और ऑन डिफरेंट प्लांट इन सेवरल फंगाई एंड प्लांट terms such as monothelic and monoecious are used to denote the bisexual condition and heterothelic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition. So dioecious means unisexual and monoecious means bisexual, okay? Yes sir. मिल गया? और उसमें देखोगे कारा CHRA कारा किस टाइप का प्लांट का एग्जांपल है monoecious dioecious? कारा इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोसियस प्लांट। मिला नहीं बेटा? कारा देखो पेज नंबर 12 फिगर 1.6 के नीचे दिया देखो मोनोसियस प्लांट कारा ओके मर्चेंटिया इज डायोसियस उसके डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है ओके अच्छा। तो एनिमल्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल when they bear either male or female reproductive organs जैसे human, frog, bird और hermaphrodite और bisexual when they possess both male and female reproductive organs जैसे sponges हो आर्ट फॉर्म हो जो 11 क्लास वालों पढ़े हैं बेटा। unisexual का example बुक में cockroach का दिया है bisexual का आर्ट फॉर्म दिया ना तो सुनाई नहीं दे रहा ठीक है सुनाई नहीं दिया अभी सुनाई दे रहा बेटा यस सर ओके। तो देखो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल कॉकरोच है यस सर बाइसेक्सुअल का एग्जांपल आटोम है यस सर ओके। सिंगल में जो है द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। सिंगल में क्या होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉइड जाइगोट ओके यस सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन में होकर बिटवीन गैमेट्स प्रोड्यूस बाई टू डिफरेंट इंडिविजुअल उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्रॉस फर्टिलाइजेशन एज इन ऑटम और बिटवीन गैमेट्स ऑफ द सेम इंडिविजुअल इसको बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल क्या दिया बेटा टेपवर्म। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल देखो बुक में है नहीं मिला बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन अच्छा उसको ढूंढोगे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहाँ पे है टेप फॉर्म ठीक है बेटा यस सर। तो पार्टेनोजेनेसिस
इससे कहाँ कहाँ दिखाई दिया बेटा? पर्सनल रॉटीफर्ड, हनीबीज, सम लिजर्ड एंड बर्ड, ये बेटा? यस सर। अच्छा, ऑल दोज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हिच ऑकर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, इन फ्लावरिंग प्लांट द ओव्यूल बिकम द सीड एंड ओवरी बिकम द फ्रूट, द सीड जर्मिनेट आफ्टर दे डिस्पर्स फ्रॉम द फ्रूट एंड प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। ओके, ये तो मैंने जहाँ ऊपर ऊपर बता दिया, ठीक है ना, डिटेल्स में इसको पढ़ना है ईच एंड एवरीथिंग। अभी इसमें जो इंटेक्स क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी में, इंटेक्स क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट टाइम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंटेक्स क्वेश्चन बता दिया था, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंटेक्स क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, इन सम प्लांट आर फ्लावरिंग ऑर्किड्स मोर देन वन, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? ये क्वेश्चन कहाँ पे बेटा? सर फिर से रिपीट कर दीजिए। इन सम प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वन, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 में दिया। ओके, पेज नंबर 9। अच्छा, ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? मैच्योर। Yes, that will be mature. Next question जो है, observe a few trees in your area. Do you do the flower during the same month, year after year? Yes, page number 9 में ये तो लिखे। क्या उसका आंसर होगा बेटा? Sir, year after year. Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month, year after year? So different species of plants flower during different months of a year, but a particular species flower during the same month, year after year. Okay? Different species of plants, जो तो क्या करते हैं, flowering करते हैं. Okay, different months in a year. लेकिन same species वाले क्या होगा? Same month of the year में करते हैं, ना? Clear? जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी पर्टिकुलर फ्लावर लेते हैं, सेम पीसेस का है, तो एक पर्टिकुलर टाइम में, इधर मान लो उसके बरसात के टाइम में, नहीं तो मान लो विंटर के या तो स्प्रिंग टाइम में उसका फ्लावरिंग होती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू थिंक द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो? अच्छा, एक क्वेश्चन और था, एक मिनट, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स That's so seasonal flowering. कहीं भी दिया बेटा क्वेश्चन, आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट सो सीजनल फ्लावरिंग? ये क्वेश्चन कहाँ पे बेटा? सर ये उसी में, ये पेज नंबर 9 में है, तो 9 में काफी सारे क्वेश्चन, तो सेकेंड पैरा में थर्ड लाइन में। यस, इसका आंसर क्या होगा? सर पहले तो यस होगा, ये है ना, यस होने के बाद तो प्लांट लाइक टमेटो, कुकुम्बर एक्सेट्रा फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, प्लांट लाइक मैंगो फ्लावर सीजनली। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डू यू थिंक द Availability of fruits like mango, apple, etc. is seasonal. Question the other. Why do you think the availability of fruits like mango, apple, etc. is seasonal? Yes, sir. No, again. Question को read करो, कौन सा page में है? Sir, page number 9 में है. 9 में, 9 में बहुत सारे question. Answer क्या होगा? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? हाँ, इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर ये होगा, flowering and fruiting is influenced by temperature and duration of light in several plants. Okay? Yes, temperature as well as duration of light को वो depend करते हैं. Duration of light मैंने photophase. Some plants require long days. That is the short nights, and some plants require short days, that is the long nights for flowering.
Hence, the availability of different fruits like mango, apple, etc. is seasonal. Okay, beta? Yes, sir. Because dono, that is summer and winter, dono mein night and day ka duration ka difference ho jata hai. Okay? The next question number 8, jo question, next question jo hai. Can you list the changes seen in human being that are indicative of reproductive maturity? Your question is, can you list the changes seen in human being that are indicative of reproductive maturity? Ye to na 10th class mein bhi tha, hai na? Yes, sir. Males mein kya hoga? Appearance of facial hair, development of low pitch voice. Female mein kya hoga? Development of breasts and onset of menstrual cycle. Like that, jo bhi likh sakta hai na? Jo 10th class mein padhe the. So next question. Among animals, for example, birds, do they lay eggs all throughout the year? Or is it a seasonal phenomenon? What about other animals like frogs and lizards? Question hai beta? Yes, sir. So, see ke niche. Question ko read kijiye. Among animals, for example, birds, do they lay eggs all through the year? Or it is seasonal phenomenon? What about other animals like frogs and lizards? Okay. So among animals, for example, birds, do they lay eggs all throughout the year? Okay. So, no, they do not lay eggs all throughout the year. Birds living in nature lay eggs only seasonally, but birds in captivity are made to lay eggs throughout the year. There's a poultry birds. Okay, yes, sir. Frogs and lizards are also seasonal breeders and lay eggs seasonally. Okay? Yes, ma'am. Next question. What is mean by growing old? Ye kaun sa page mein diya, dekho. Growing old sir, page mein last paragraph mein. Kaun sa page mein? The page number 9 mein. Theek hai, 9 mein dekho kitna question hai. What is mean by growing old? Kya hua iska answer? Aging. अच्छा, growing old refers to the end of reproductive phase and the beginning of senescence. That is deteriorative changes in the structure and function of the body. Function of the body becomes slow and ultimately leads to the death of the organism. Okay, पूरा लिख दोगे? Okay. Next question. Can you identify cases where self fertilization is observed? ये क्वेश्चन कहाँ दिया? सर पेज नंबर 11. हाँ, क्वेश्चन को रीड कीजिए. कैन यू आइडेंटिफाई केसेस वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व. ओके, क्या आंसर होगा इसका? पता ना, प्लांट्स विद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लाइक टी. ओके, दैट सो ऑटोगेमी. सर रिपीट कर दीजिए आंसर. सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लाइक टी प्लांट, है ना? यस सर. दैट सो ऑटोगेमी और सेल्फ फर्टिलाइजेशन जैसे टेप हम पहले भी बता दिया था. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन टर्मिनेट एंड क्रिस्टलेट फ्लावर्स. यस सर. क्वेश्चन मिल गया? यस सर. कौन सी पेज में बेटर? सर पेज नंबर 11 का सेकंड पैरा की लास्ट में. ओके, आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को रीड कीजिए. क्वेश्चन को रीड कीजिए. नेम द टाइप ऑफ गैमेट दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड क्रिस्टलेट फ्लावर्स. तो मेल गैमेट इन स्टेमिनेट फ्लावर्स एंड फीमेल गैमेट इन क्रिस्टलेट फ्लावर्स, है ना? क्रिस्टल तो फीमेल वाला है और स्टेमिन वाले जो है मेल वाला है ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A haploid produces, the haploid organism produces gametes by mitosis. Does it mean that meiosis never occurs in organisms that are haploid? सर बीच में कट रहा है. कट रहे हैं? सुन लो एक बार ठीक से. A haploid organism, सुनाई दे बेटा. Yes sir. Produces gametes by mitosis. Yes. Yes sir. Does it mean that meiosis never occurs in organism that are haploid? Yes sir. Question मिल गया?
कुछ मिला नहीं। एन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोसिस दैट इज मीन दैट मियोसिस नेवर ऑकर इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। मिल गया? यस सर। क्या आंसर होगा? क्या आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन को रीड कीजिए। दैट दिस मींस दैट मियोसिस नेवर ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म दैट आर हैप्लॉइड। इसका आंसर होगा नो होगा सर। नो होगा सर? उसमें वो उसमें उसके ऊपर ही दिया है कि हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय मियोटिक डिवीजन। अच्छा सुन लीजिए। इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस ऑकर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म because it is the only diploid stage in the life cycle of haploid organism. Okay? Yes sir. Next one, is there any relationship between the number of chromosomes of meiosis and gametes? Yes sir. Kya hai beta usme? क्वेश्चन को रीड करो। इज देयर एनी रिलेशनशिप इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मियोसाइट्स एंड गैमेट। तो मियोसाइट्स आर द डिप्लॉइड सेल्स दैट इज गैमेट मदर सेल्स दैट अंडरगो मियोसिस दे हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। गैमेट आर हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। इन मियोसाइट्स दे हैव ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जाम्पल 46 क्रोमोसोम जैसे ह्यूमन बींग में है। यस सर। ओके। यस। और जैसे डिप्लॉइड में और हैप्लॉइड में कितना होता है? 23 है ना गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट। यस सर। क्वेश्चन है बेटा? यस सर। हाँ, क्या क्वेश्चन में लिखा है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द गैमेट्स मीट। ओके। तो बहुत सारे अलग अलग होता है ना, जिसके एग्जांपल देना पड़ेगा। इन मेनी एल्गी एंड ए फ्यू फंजाई बोथ द टाइप्स ऑफ फ्यूजिंग गैमेट्स आर मोटाइल एंड दे आर लिबरेटेड इन द मीडियम ऑफ वाटर। ओके। इन मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट्स आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट्स आर स्टेशनरी। ओके। इन सर्टेन एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड डेडोफाइट्स वाटर इज द मीडियम फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स। इन सीड प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ फीमेल गैमेट्स दैट इज मेल गैमेट्स इन द पोलन टू द पोलन ट्यूब कैरियर्स द मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स इन द ओव्यूल। ओके। इज अ पोलन है, पोलन ग्रेन है। ओके। वो मूव करते। नेक्स्ट इज द इन एनिमल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दैट इज बॉर्न इफ इज ए फ्रॉग देयर इज सिंक्रोनस रिलीज ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्लोजर टू इच अदर। ओके। इन एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन रेप्टाइल्स मैमल्स कॉपुलेशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ओके। ये सारे लिख देना है कि किस तरीका से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सिंगमी ऑकर। मिल गया बेटा? व्हेयर डज सिंगमी ऑकर? यस सर, मिल गया। पेज नंबर सर? पेज नंबर 14। क्वेश्चन को रीड करो। व्हाट वुड हैपन इफ सिंगमी डजंट ऑकर। ठीक है। Yes. तो इन मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड एक्वाटिक फंजाइ बॉनी फिशेस एंड एम्फीबियंस सिंगमी ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द मीडियम ऑफ वाटर। इन सर्टेन एल्गी एंड फंजाइ ब्रायोफाइट स्टेरियोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मोस्ट ऑफ द एनिमल सिंगमी ऑकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके। आई वाला सिंगमी नहीं है तो क्या होगा? गैमेट जो एम्ब्रायो बनेगा ही नहीं।
ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जायगोट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्वेश्चन मिल गया, फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द जायगोट ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस सर। क्या मिला बताओ, क्वेश्चन को रीड करो, पेज नंबर बोलो। Find out what kind of development takes place in the zygote in organisms with diploidic and haploidic life cycle. हाँ बताइए। तो diploidic में अच्छा zygote undergoes embryogenesis that involves mitotic division in organism with diploidic and haploidic life cycle. Okay. कोई भी लाइफ साइकिल हो। नहीं दिया, ठीक है। क्वेश्चन दिखा है? यस सर, क्वेश्चन मिल गया। तो आंसर है कि जाइगोट अंडरगोज एम्ब्रायोजेनेसिस दैट इन्वॉल्व माइटोटिक डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यस सर। That is next question. Can you name a plant? हाँ बेटा। सर diploidic और haploidic का अलग अलग नहीं होगा? Haplodiploidic दिया ना बेटा? Yes. Diploidic और haplodiploidic उसमें तो क्या होगा? Zygote जो होते हैं वो क्या करेंगे? That is embryogenesis करेंगे, embryo बनेगा। और embryo बनने के लिए क्या होगा? Mitotic division का जरूरत पड़ेगा ना? Yes sir. Last question जो है, can you name a plant in which the sepals remain attached to the fruits? Yes, sir, मिल गया। क्या होगा इसके आंसर? क्वेश्चन कौन सा पेज में मिला? सर क्वेश्चन 16 पेज में। दिस इज द लास्ट इंडेक्स क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? टमाटोस होगा, ब्रिंजल होगा। टमाटोस एंड ब्रिंजल, टोमेटो एंड ब्रिंजल। यस सर। ओके क्वेश्चन क्या था, रीड कीजिए। Can you name a plant in which the sepals remain attached? Okay. So question ho gaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sorry. Haan, koi 12 question ho gaya na, ek baar check kar leta hoon. 15 question ho gaya, index question, okay? Yes, तो मेरा होमवर्क क्या हुआ, जो 15 क्वेश्चन का आंसर्स करके मेरे को भेजोगे, ठीक है? ओके सर। और चैप्टर का एक फ्लो चार्ट बना के भेजोगे, क्या क्या चीज है फ्लो चार्ट। ओके फ्लो चार्ट। ओके जैसे 1.1 का 1.2, 1.2 में क्या क्या है, 1.1 में क्या क्या है, लाइक दैट। ओके सर। ओके नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर और जो बोर्ड में क्वेश्चन आया, पीएमटी में एमसीक्यू आया, वो सब कर लेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके।